काफी टाइम से ही नागिन 7 के बारे में फैन जानना चाह रहे कि शो को कब स्टार्ट किया जाएगा, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना सीखे सभी शोज के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, काफी वक्त हो चुका है अभी तक नागिन 7 कलर्स सुपर स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि फैंस इस शो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फैंस की इस शो के जन 7 से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। फैंस को अब लगने लगा है कि इस शो के जन 7 में काफी कुछ नया हम सभी को देखने को मिल सकता है। फैंस को इस शो के जन 6 की स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इस शो के 6 सीजन से पिछले सीजन को काफी ज्यादा प्रशंसा मिली है, क्योंकि इस शो की स्टोरी कोरोना से जोड़ दी गई, जिस वजह से फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्योंकि अगर ये लोग डिफरेंट स्टोरी को इस शो से कनेक्ट करते तो काफी सही रहता। हम देखते ही आ रहे हैं कि हर सीजन में हम सभी को नई स्टारकास्ट देखने को मिलती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि हर सीजन में ये कुछ नया दिखाना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि इस शो की फीमेल लीड में कौन होंगी, ऐसा बताया जा रहा है कि इस शो के फीमेल लीड में रिद्धिमा पंडित हो सकती है, और पिछले टाइम पर प्रियंका चर चौधरी और भी काफी सारे एक्ट्रेस का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें अभी तक अप्रोच नहीं किया गया। हो सकता है कि रिद्धिमा पंडित इस शो के लिए फाइनल हो जाए। इस शो के बारे में दिसंबर में एक नई अपडेट निकल के आई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि इस शो का बजट 270 या फिर 320 करोड़ का होने वाला है। इतना तो कंफर्म हो चुका है कि इस शो के सीजन 7 का बजट काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म ने इतना बड़ा बजट को इन्वेस्ट किया है। ऐसे भी खबरें हैं कि इस शो का सीजन 7 बहुत जल्दी मार्च तक फ्लोर तक जा सकता है। इससे ये भी क्लियर हो चुका है कि इस शो का सीजन 7 आप सभी को 2024 में नहीं 2025 तक देखने को मिलेगा। बाकी ये कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी इस चीज को भी कंफर्म कर दिया जाएगा। इस शो से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस शो में काफी कुछ हम सभी को नया देखने को मिले। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।